ये बहुत डिफरेंट भी है साथ साथ। तो मैंने पापा से बात की, मैं डर भी गई थी क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, पर पापा ने फिर हिम्मत दी 2-3 दिन तक। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी करते हैं फिर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस हफ्ते सुंबुल तौकीर नॉमिनेटेड थी, तो लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि सुंबुल तौकीर जो है अब घर से एलिमिनेट हो चुके हैं, वो घर से बाहर हो चुकी है और उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू भी दे दिया है, जिसकी कुछ क्लिप्स हमने आप लोगों को दिखाई है। और साथ ही साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग रहने वाले हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है मंडली के बारे में, काफ़ी कुछ बोला है अपने और जो मंडली से बाहर के सदस्य थे उनों के बारे में भी। तो ये पूरा इंटरव्यू मेरे चैनल पे आने वाला है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं। और मैं आप लोगों को एक टिप्स भी देने वाला हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं खुलासा करने वाला हूं बिग बॉस 16 के विनर के बारे में, कौन रहने वाला है इस साल बिग बॉस 16 का विनर, और लेके जाना वाला है एक बहुत ही अच्छा अमाउंट और साथ ही एक बहुत ही चमचमाती हुई बिग बॉस 16 की ट्रॉफी को। दोस्तों कुछ सोर्सेस से ये भी पता पड़ा है कि नेक्स्ट जो एलिमिनेशन होने वाला है उसमें बाहर जाने वाली है अर्चना। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इस बार उन्हें सलमान खान बचाएंगे या क्या करेंगे, बिग बॉस की टीम उन्हें बाहर लेकर जाएंगी या नहीं। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, एक अलग इनसाइडर न्यूज के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे।